के साथ ना जी कई दिनों से अत्याचार हो रहा था। हम तो रिश्तेदार हैं, कभी कभार थोड़ा बहुत हमें पता लग जाता था कि जी वो लड़े हुए हैं, लेकिन हम सोचते थे शायद चलो छोटा मोटा होता रहता है। लेकिन धीरे धीरे जब ये बातें ज़्यादा होने लगी, पता चला कि वो घर में भी नहीं रहती है, गौशाला में रहती है और वो अपना खाना पीना वहीं बनाती है। और जब हमने उसको पूछा कि आप घर में क्यों नहीं रहते, तो उसने बोला कि जी मुझे कहते हैं वो घर में कि तू तो जादू टोना जानती है, तू घर में नहीं रहेगी, तू घर में कुछ भी काम नहीं करेगी, बस तू जहाँ रहती है वहीं रह, उसने वहीं रहना, वहीं से अपना खाना पीना बनाना और वहीं से अपने काम पे निकल जाना। रात को कभी कभार वो घर चली जाती थी बेचारी, तो उसका जो कमरा है ना जी, तो उस कमरे की उन्होंने लाइट तक काट दी थी, 5-7 सालों से उसकी वो कमरे की लाइट तक भी काट दी है उन्होंने। उसको सुनने में आया हुआ है कि उसका जो गहना था वो भी उन्होंने उसकी अलमारी का लॉकर वगैरह तोड़ के सारा निकाल दिया हुआ है। इन आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले जिन्होंने इसको मारा हुआ है, सख्त से सख्त सजा। और जब तक ये कार्रवाई पूरी ना हो, मैं तो चाहती हूँ कि ये डेड बॉडी जलनी भी नहीं चाहिए, घर अंदर जलने। इन लोगों ने सोच के रखा ही 21वीं सदी में जमाना है और इस औरत के ये हालात है, देखो कैसे रह रही है अंदर। आप लोगों ने तो देखा भी, हमने भी देखा भी और हमने आज ही देखी ये स्थिति की, ये औरत यहाँ रहती थी बेचारी। आज शीतला देवी जो कि मसेरन की रहने वाली थी, इनकी डेड बॉडी जो है हैंगिंग की अवस्था में इनके गांव मसेरन में जो कौ शेड है उसके साथ में बिहू के जो वृक्ष से लटकती हुई, जिस पे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव अपने कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौका पर RFSL मंडी की टीम भी आई थी जिसने मौका का निरीक्षण किया है। इससे पहले दिनांक 5/10/2021 को शीतला देवी जी की स्टेटमेंट के आधार पर इनके पति और ससुराल पक्ष के तीन और लोगों के खिलाफ 116/21 अभियोग संख्या थाना में दर्ज हुई थी, जो 498A, 504 और 34 IBC में दर्ज हुई थी। जो इसी सिलसिले में आज इनके भाई प्रकाश चंद ने की स्टेटमेंट के आधार पर केस में 306 IPC को जोड़ा गया है और जो नामजद लोग हैं उनको पूछताछ के लिए तलब किया गया है और अभी इनको हिरासत में लिया जाएगा। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।